शिक्षा भूमि संस्थान यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, ये वीडियो जो है एडिटोरिया वार्षिकी करंट अफेयर्स का ये प्रैक्टिस सेट है और ये सातवां प्रैक्टिस सेट है। इसमें 50 प्रश्न होंगे। ये पूरा बुक का निचोड़ दिया हुआ रहता है लास्ट में सेट बना करके, उसी का ये सातवां सेट है। और इससे पहले हम 6 सेट दे चुके हैं और आपको हम ये दे रहे हैं इस उद्देश्य से ताकि आप रिवीजन कर सकें जल्दी से, ठीक है। तो उसी उद्देश्य से हम ये वीडियो दे रहे हैं आपके लिए। तो चलिए, 50 प्रश्न होंगे, सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 1 नंबर क्वेश्चनों से। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 13 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री ने किस नेता की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया। तो ये जो है आपका श्री अरविंदो, यानी कि अरविंद घोष कह सकते हैं। आगे देखिए, भूजल पर संयुक्त राष्ट्र जल शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये जो है आपका पेरिस में किया गया, ऑप्शन सी। आगे देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, ईशान किशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है उसका चयन करना। उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ वनडे में दोहरा शतक लगाया, तो लगाया। वह ओडीआई में दोहरा शतक बनाने वाले केवल चौथे भारतीय बल्लेबाज बन, बिल्कुल सही है। ईशान किशन ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वनडे में सबसे तेज दोहरा शतक बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया, ये भी सही बात है। तो सभी के सभी सही है। आगे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस राज्य के अलुवा में स्थित एक बीज फॉर्म कार्बन न्यूट्रल का दर्जा हासिल करने वाला देश का पहला बीज फॉर्म बन गया है। तो ये जो है आपका केरल, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा 5 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 17वीं एशियाई प्रशांत क्षेत्रीय बैठक दिसंबर 2022 में कहाँ में आयोजित की गई। तो ये जो है आपका सिंगापुर में आयोजित की गई। आगे देखिएगा, दिसंबर 2022 में किस हवाई अड्डे पर भारत के सबसे बड़े बिजनेस जेट टर्मिनल और देश के पहले चार्टर गेटवे का उद्घाटन किया गया। तो ये जो है आपका कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन डी। आगे देखिए, हाल ही में ड्रोन सेवाओं के माध्यम से दवाएं पहुंचाने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य कौन बन गया। तो ये जो है आपका मेघालय बन गया, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा भारत के पहले ड्रोन स्किलिंग एंड ट्रेनिंग वर्चुअल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो ये जो है आपका चेन्नई में किया गया, ऑप्शन ए। आगे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, आयुर्वेद क्षेत्र में क्षेत्र को मजबूत करने, उसके भविष्य की कल्पना करने और आयुर्वेद वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का आयोजन 8 से 11 दिसंबर तक कहाँ में किया गया। तो ये जो है आपका पणजी गोवा में किया गया, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा 10 नंबर, प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के साथ साथ उन्हें पुनर्स्थापित करने के लिए अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया। तो ये जो है आपका तमिलनाडु बन गया, ऑप्शन डी। भारत सरकार की किस पहल को संयुक्त राष्ट्र की 10 शीर्ष फ्लैगशिप पहल में शामिल किया गया है। तो ये जो है आपका नमामि गंगे परियोजना, ऑप्शन ए। हाल ही में IUCN रेड लिस्ट में किन हिमालयी औषधीय पौधे को शामिल किया गया है। तो ये जो है आपका सभी है, मेजोट्रोपिस पेलिटा, फ्रिटिलारिया सिरोहोसा और डिक्टाई लोरिया हटाइग्रिया, यानी ये सभी जो है सभी को शामिल किया गया। आगे देखिए कह रहा है, निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सुमेलित है। तो देखिएगा, सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, बिल्कुल सही बात है। साजी केवी नवाड के नए अध्यक्ष हैं, सही बात है। मेघना अहलावत ये TTFI के पहली महिला अध्यक्ष है, ये भी सही है, यानी सब सही है। आगे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में पहली बार 2 महिला वित्त मंत्रियों जेनेट एलेन और कोषाध्यक्ष मैरिलिन मलेरबा के हस्ताक्षर वाला बैंक नोट छापा गया। तो ये जो है आपका अमेरिका में, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस हॉकी खिलाड़ी के नाम पर उत्तर प्रदेश के रायबरेली में
हॉकी स्टेडियम बनाया गया है? तो ये जो है आपका रानी रामपाल, ऑप्शन बी। आगे देखिए 16 नंबर, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारती परवीन ने राष्ट्रीय मातृत्व कार्यशाला का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये जो है आपका नई दिल्ली में, ऑप्शन डी। आगे देखिए कह रहा है, हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? दीना बोलुआर्टे, ये जो है पेरी पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति है, सही बात है। राजीव लक्ष्मण करंदीकर सांख्यिकी राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष हैं, ये भी सही बात है। केविन मैकार्थी अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष है, ये भी सही है, यानी कि सब के सब जो है सही है। किस देश ने विश्व की पहली पूरी तरह से काम करने वाली सैंड बैटरी स्थापित की है, जो एक ही बार में महीनों भर की हरित ऊर्जा का भंडारण करने में सक्षम है? तो ये जो है आपका फिनलैंड में, ऑप्शन सी। आगे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, फोर्ब्स की विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की 2022 की वार्षिक सूची के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? देखिएगा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 36वें स्थान पर हैं, ये भी ये सही बात है। भारत की 6 महिलाओं को शामिल किया, ये भी सही बात है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन इस रैंकिंग में शीर्ष पर हैं, ये भी सही बात है, सब के सब सही है। आगे देखिए 20 नंबर क्या कह रहा है, किस संस्था के शोधकर्ताओं ने एक ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है जो समुद्री तरंगों से बिजली उत्पन्न कर सकता है? इस उत्पाद का नाम सिंधुजा वन रखा गया है, जिसका अर्थ है समुद्र से उत्पन्न। तो इसका आंसर हो जाएगा ये IIT मद्रास के द्वारा। आगे देखिए 21 नंबर, पहली बार भारतीय नौसेना दिवस समारोह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बाहर में आयोजित किया गया था, तो वो कहाँ किया गया था? तो विशाखापट्टनम में। आगे देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, 22 नंबर क्या कह रहा है, विश्व मृदा दिवस 2022 का थीम क्या है? ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 23 नंबर, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा के कामकाज की समीक्षा के लिए किसके नेतृत्व में एक पैनल का गठन किया गया? तो ये जो है आपका अमरजीत सिन्हा की अध्यक्षता में, आगे देखिए यानी नेतृत्व में। आगे देखिए 24 नंबर, 1 जनवरी 2023 को एक वर्ष के लिए भारत निम्नलिखित की अध्यक्षता ग्रहण करेगा, तो ये जो है आपका वासेनार अरेंजमेंट, ऑप्शन डी। आगे देखिए, किस संस्था ने अपनी पहली वार्षिक टेस्ट स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सिंग रिपोर्ट 2021 जारी की है? तो ये जो है आपका WMO, ऑप्शन डी। DG यात्रा को समस्त हवाई अड्डों पर चरणबद्ध तरीके से लॉन्च किया जा रहा है, प्रथम चरण में किन 3 हवाई अड्डों के लिए 1 दिसंबर 2022 को DG यात्रा शुरू की गई? तो ये जो है नई दिल्ली, वाराणसी और बेंगलुरु, ऑप्शन ए। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, फीफा विश्व कप इतिहास में पुरुषों के टूर्नामेंट में पहली महिला रेफरी कौन बनी? तो ये जो है स्टेफनी फ्रेपर्ट फ्रेपर्ट स्टेफनी फ्रेपर्ट। आगे देखिए, दुनिया में सबसे पहले किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए सफलतापूर्वक भाप का इस्तेमाल करने की घोषणा की है? तो ये जो है आपका जैक्सा जापान का, ऑप्शन ए डी। आगे देखिए, भारत ने दिसंबर 2022 में किस देश के साथ व्यापक प्रावधान एवं गतिशीलता भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ये जो है आपका जर्मनी, ऑप्शन ए। दिव्यांग के लिए लिए एक अलग विभाग का उद्घाटन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो ये जो है आपका महाराष्ट्र है, पहला राज्य जो है महाराष्ट्र है। आगे, हाल ही में रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने पहले तटीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये जो है आपका चेन्नई में किया है, ऑप्शन बी। आगे देखिए, हाल ही में कहाँ में अपनी तरह का पहला जनजातीय शीतकालीन महोत्सव आयोजित किया गया? तो ये जो है आपका जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन ए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन रिपोर्ट योजना शुरू की है? तो ये जो है आपका उत्तर प्रदेश। आगे देखिए 34 नंबर क्वेश्चन,
चौंतीस नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को संचालित करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये तो वही है, सुरेखा यादव, ऑप्शन ए। आगे देखिए 35 नंबर, सतत खेती 2022 के लिए मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ में आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया? तो ये जो है आपका नई दिल्ली में आयोजित किया गया। भारत का पहला गोल्ड एटीएम व दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम कहाँ लगाया गया है? तो ये जो है आपका हैदराबाद में लगाया गया, ऑप्शन सी। हाल ही में विदेशों में प्रवासी कामगारों से 100 अरब डॉलर का प्रेषण प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो ये जो है अपना प्यारा भारत है, ऑप्शन ए। देखिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेत्रहीनों के लिए तीसरा T20 विश्व कप टूर्नामेंट 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखिएगा, भारतीय क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश को हराकर नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप जीता, सही बात है। भारत ने इस बार नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी की, सही बात है। नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह थे, तो ये भी सही बात है, यानी सब के सब सही। आगे देखिए 39 नंबर, कोलंबिया में आयोजित भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता? तो ये जो है रजत पदक जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ में ग्लोबल मिलेट्स सम्मेलन का उद्घाटन किया? इस अवसर पर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 पर एक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। तो ये जो है आपका नई दिल्ली, ऑप्शन सी। आगे देखिए 41 नंबर, उपन्यास ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड के लिए अंग्रेजी भाषा का वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुराधा राय। आगे देखिएगा 42 नंबर क्वेश्चन, फीफा विश्व कप 2022 में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी का गोल्डन बूट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये जो है किलियन एम्बापे, ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। आगे देखिएगा, जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की 15वीं बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये जो है आपका मॉन्ट्रियल कनाडा में किया गया, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा 44 नंबर क्वेश्चन, 44 नंबर क्या कह रहे हैं, किस राज्य में हट्टी समुदाय को ST का दर्जा देने के लिए संसद ने संविधान आदेश विधेयक 2022 पारित किया? तो ये जो है आपका हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा 45 नंबर क्वेश्चन, राज्यसभा के इतिहास में सदन के उपसभापति के पैनल में शामिल होने वाले पहले मनोनीत सदस्य कौन बने? तो पहले मनोनीत सदस्य जो है आपका PT उषा बने, ऑप्शन डी सही आंसर है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस कंपनी के भारत के पहले जमानत बॉन्ड बीमा उत्पाद को लॉन्च किया? तो ये जो है बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आगे देखिए 47 नंबर, विचार की स्वतंत्रता के लिए यूरोपीय संसद का 2022 सखारोव पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? तो ये जो है यूक्रेन के लोगों को, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा 48 नंबर क्वेश्चन, 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, फीफा विश्व कप 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, फाइनल मैच लुसेल आइकॉनिक स्टेडियम में खेला गया, तो सही बात है। अर्जेंटीना ने तीसरी बार फीफा विश्व कप फुटबॉल का खिताब जीता, सही बात है। अर्जेंटीना ने पेनल्टी पर फ्रांस को 4-2 से हराकर फीफा विश्व कप फुटबॉल जीता, ये भी सही बात है। अगला है, लियोनल मेसी ने फीफा विश्व कप में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का गोल्डन बॉल पुरस्कार जीता, तो ये भी सही बात है, सब के सब सही है। आगे देखिए 49 नंबर क्वेश्चन, 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का 7वां संस्करण 15 से 17 दिसंबर 2022 तक कहां आयोजित किया गया? तो ये जो है आपका नई दिल्ली में आयोजित किया गया, ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे देखिएगा ये 50वां क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है, स्टील इंडस्ट्री में कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले ग्रीन स्टील बॉन्ड ब्रांड का क्या नाम है? तो ये जो है कल्याणी फॉरेस्टा, ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है। चलिए दोस्तों, कैसा लग रहा है ये वीडियो रिवीजन करने में, अगर अच्छा लग रहा है
तो और दोस्तों के पास भी भेज दिया करें। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो आज भी इतना ही, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।